गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 3:30 बजे का। मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, बाहर से मुझे इफ्तार लेके आनी है। दूसरी बात, कोई फ्रेंड वगैरह आए हुए हैं, उनको एक गाड़ी दिलानी है और वो भी सेकंड हैंड। और हमारे यहाँ बाहर पूरे मार्केट है, यहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ी मिलती हैं। तो बाहर जाते हैं, क्या एक्सपीरियंस है। और एक बहुत बड़ी समस्या ये, बाहर जाने से पहले इतनी ज्यादा हीट हो रही है, ना लिटरली बहुत। मुझे टेंशन यूँ होती है कि मुझे बाहर ज्यादा जाने की आदत नहीं है, मैं घर पे रह के काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे घर की आदत पड़ गई। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हीट है, बहुत गर्मी है, मगर मैनेज हो ही जाता है जैसे कैसे करके। निकलते हैं फटाफट। चाबी कहाँ यार गाड़ी की? खुशबू बड़ी प्यारी। तो आ गए बाहर, और बाहर तो भाई धूप का आलम कुछ ज्यादा ही खतरनाक चल रहा है भाई। गाड़ी देखने के लिए तो फिलहाल आ गए रोजे की हालत में। अब पता नहीं भाई कितना टाइम लगे गाड़ी देखने में, कौन सी गाड़ी पसंद आती है देखते हैं। अभी फिलहाल तो गाड़ियां लगी हैं काफी सारी इस रोड के ऊपर, वहां भी। अब आगे देखते हैं कौन सी गाड़ी पसंद आती है। भाई गाड़ियां देखो, यहाँ एक से एक लगी हैं। एंटॉर्क पता कर लो, बढ़िया सी गाड़ी देखो। अप्रिले तो बेकार है, ये वाली पूछ लो, ड्यूक, केटीएम ड्यूक। गाड़ियां यार भरी पड़ी है यहाँ तो। ये वाली एंटॉर्क देखो कितनी चली हुई है, 16,000 चली है। भाई गाड़ियों के रेट तो बहुत ज्यादा हाईफाई है, इससे बढ़िया समझ में ये आ रहा है कि नई गाड़ी ले ली जाए। अभी देखते हैं भाई, देखो गाड़ी तो मिली नहीं, पैसे इतने ज्यादा हाई हैं, इससे बढ़िया हमारे पास ये ऑप्शन है कि नई गाड़ी ले ली जाए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ बेकार है। अब एक गाड़ी बैटरी वाली पहले देख के आए थे हम, वो बैटरी वाली स्कूटी देख के आ जाए, अगर वो समझ में आती है ठीक, नहीं तो फल फ्रूट लेके वापस अपने घर पे रोजा खोलने की तैयारी। चले भाई रोजा यहीं पे खोलोगे ना? हाँ यहीं पर। चलो जी ठीक है, चलो। फिलहाल तो टाइम हो गया अभी 5:15 बजे का, मैं आ गया हूँ वापस घर पे। भाई साहब हालत खुशक हो गया मेरा, 1 घंटे बाहर घूमने में ना लिटरली पूरी एसी तेसी होके रह गई। 45 डिग्री टेम्परेचर यार, गर्मी देख तो लो भाई, इतनी ज्यादा हीट मार रही। और जो दोस्त आए हुए थे उनसे मैंने कहा यहाँ रोजा खोलने के लिए, इफ्तार करने के लिए, मना कर दिया। कहने लगे कि यार फिर कभी मौका मिलेगा करेंगे, बड़ा प्लान करके। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, अब नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं। मैं सारे फल फ्रूट ले आया हूँ, अभी सब कुछ यहाँ ऐसे ही थैलियों में रखा हुआ है, केले, पपीता, तरबूज, खरबूजा, सब कुछ। आज इधर हमारा शरबत बनना हो गया रेडी, इसमें नींबू डाल लेना और इसको रख देना फ्रीजर में ताकि बर्फ जम जाए। जैसा भी हो अभी करके रख देना बाहर, तो फ्रिज में कर देना लास्ट में, नहीं अभी डाल दो हाथों हाथ, ज्यादा टाइम ना लगाओ। अरे भैया हो जाएगा, तुम डालो, टाइम ना लगाओ, कर लो उसको, फ्रिज में रख दो, बर्फ जमेगी। मेरे हैंड पर है 2-3 अपडेट्स, इतनी एक अपडेट बनाएंगे, असर की अजान हो जाएगी, असर की नमाज पढ़ेंगे पहले। फिलहाल तो टाइम हो गया 7:45 बजे का, अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, सिर्फ 1 मिनट रोजा खुलने में बाकी रह गया है। फटाफट से मुंह हाथ धोते हैं, मतलब हाथ वाथ धोते हैं बस, और बैठते हैं। शरबत ले लिया जाए, नींबू पान। अरे यार जम गया, देखो बर्फ बन गई पूरी, क्या कर दिया ये। साथ में ले ली जाए पानी की बॉटल, लो पकड़ो, हाँ वो लाइट बर्फ है। इफ्तार हमारी आ गई है रेडी होकर, जो होता है यूजुअली। आज अनार सेपरेट रख लिए, अनार अलग क्यों रखे तुमने आज? खुलने तो दो यार, मैं समझा रोजा खुल गया, एक मिनट बाकी रह यार, समझा मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। चलो दुआ करो। आप भी पता है क्यों थक गया? एक तो जल्दी नींद आई नहीं, सुबह 8 बजे सोए, दूसरी बात इतनी तगड़ी गर्मी के अंदर 1-1.5 घंटे बाहर घूमना रोड पर, गाड़ी देखनी, इसलिए यार हालत डाउन हो गया। चलो दुआ करो खुल जाए तो बता देना भैया थोड़ी देर में। अरे अरे हालांकि ना बिल्कुल हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप लग जाए मेरी उठा देना, अनाउंसमेंट होगा। चलो खुल गया खुल गया। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम बर्दाश्त नहीं होता, लास्ट का जो मोमेंट होता है ना, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट अभी खुला नहीं यार। दुआ तो कर लो, ये दुआ का टाइम होता है। अरे ये लग रहा होगा, आगे चल के बढ़ेगा यार, ये तो और बढ़ रहा है रोजे का टाइम। यार किया जाए, क्या किया जाए, खुल जाए यार, खुल जाए रोजा, बर्दाश्त नहीं हो रही है। देख लो आज, सोचो अगर मैं जब रोजा रख लेता तो उस टाइम में क्या होता है यार, जिस दिन हॉस्पिटल गए थे। फाइनली दुआ मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है। पानी पानी लो जल्दी। अरे यार निकाल दे, खजूर खाते फटाफट से, पीते पानी। तो
थोड़ा सा शरबत दो जल्दी, आज दे दो, आज जो भी मांग रहे हो दे दो यार, बर्दाश्त नहीं हो रही आज। यार तो बढ़िया शरबत बनाया, ठंडा ठंडा कूल कूल बर्फ के साथ, पहले खाते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं भाई। अल्लाह का शुक्र है रोज़ा खुल गया था, ये टाइम हो गया, सुकून मिला। सो फाइनली गाइस, मगरिब की नमाज के बाद रोज़ा खोलने के बाद अब व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा दुविधा में फंस गया था। तबीयत अचानक से डाउन हो गई थी, हाथ पैर गिरे गिरे हो गए थे, साथ ही साथ में मेरा सिर भी भारी भारी हो रहा था। मगरिब की नमाज पढ़ के जो मैं सोया, मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ का कहाँ था। 6-7 घंटे सोने के बाद अब मेरी आँख खुली है, तो अभी मेरा रोज़ा नहीं है। रोज़ा ना रखने का रीज़न ये है कि मुझे आज भी मॉर्निंग में हॉस्पिटल निकलना है, साथ में मुस्कान का अल्ट्रासाउंड भी होना है जो लिखा था, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भरा रहेगा मेरे लिए। अगला दिन वो सारी एक्टिविटीज़ ब्लॉग में शेयर करूँगा, मगर अचानक से आज पता नहीं क्या हुआ भाई, जो मैं अचानक घर से बाहर निकला ना, ठंडक से बाहर निकलना, धूप के अंदर गरम गरम हवा लगनी, तो उससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, जिसके चलते भाई मैं लंबा लंबा पड़ गया। तो फाइनली बस ये था मेरे आज का दिन का एक्सपीरियंस। इसलिए आपने देखा होगा मगरिब के बाद से अब व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, बीच में व्लॉग था ही नहीं, रीज़न वही सब है कि मैं सो रहा था। तो फाइनली अब करते हैं इस वाले व्लॉग की यहीं पर समाप्ति। कल का दिन भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भरा होगा मेरे लिए, और वो सारी एक्टिविटीज़ व्लॉग में देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने रोज़ा आज का नहीं रखा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। जब बाहर घूमना घूमना हो तो वहाँ पर बेटर ये है कि पहले से पहले प्रिपेयर हो जाओ, रोज़ा बीच में टूटे ना, ख़राब ना हो, तो इससे अच्छा ये है कि रोज़ा रखो नहीं। तो ये एक मेरी मजबूरी, आने वाले टाइम में कभी ना कभी होगा तो रोज़ा कवर कर लेंगे। हालांकि इस रोज़े को इस वाले रेट के साथ में तुलना नहीं कर सकते, रमज़ान की बात रमज़ान की होती है, तो फाइनली अब मजबूरी है, क्या ही कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ रोज़ा रखने की, शायद यही वजह है कि रोज़ा छूटता है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख होता है, क्योंकि मैंने 7 साल की उम्र से लेकर के अभी तक रोज़े रखे हैं, और आने वाले टाइम में जितने भी मेरी हिम्मत होगी मैं रोज़े रखूँगा। जब कभी रोज़ा छूटता है तो काफ़ी ज़्यादा दिल दुखता है। चलो बाय द वे, कल की कल देखी जाएगी, जैसा व्लॉग रहेगा वैसा आप सभी से शेयर करेंगे, जैसा दिन गुजरेगा वैसा आप सभी के साथ में शेयर करने की कोशिश की जाएगी। फाइनल इस वाले व्लॉग की करते हैं यहाँ पर समाप्ति। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। जिंदगी रही तो मिलेंगे अगले दिन प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आज से मैं बैठूंगा।